नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं टेक अपडेट नंबर 28 और मैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूं। कुछ यहां पे इसरो की तरफ से, कुछ सैमसंग की तरफ से, कुछ ओप्पो के स्मार्टफोन को लेके है और कुछ यहां पे शाओमी की सेल को लेके है दोस्तों। तो आप आगे देखते रहो मेरे साथ में इस वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो यहाँ पे इसरो की तरफ से, और इसरो ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिन्होंने मतलब 8th पास किया और 9th में गए हैं उनके लिए प्रोग्राम है, और समर वेकेशंस में ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑफिशियली इसरो ने अनाउंस कर दिया है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई बच्चा है तो आप उसको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, जहाँ पे मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये पूरा ही रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, 2 वीक का ये प्रोग्राम होगा जहाँ पे बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होगा दोस्तों, यहाँ पे मतलब उसके एकेडमिक सारी चीज़ों को देखा जाएगा और अलग स्टेट से और अलग जगहों से यहाँ पे बच्चे कलेक्ट किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे चाहे वो CBSE बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड हो, तो सभी बोर्ड से बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो जो टॉप क्लास के बच्चे होंगे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला अपडेट यहाँ पे शाओमी की सेल को लेके है, और शाओमी ने कुछ स्मार्टफोन का प्राइस यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, जो कि यहाँ पे लगभग 2000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है दोस्तों। और ये डिस्काउंट आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन और शाओमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जिन स्मार्टफोन पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो फ़ोन है यहाँ पे शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो, शाओमी रेडमी Y2, शाओमी MI A2 और भी कुछ स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको लगभग 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। और मैं बता देता हूँ आपको, शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो जो स्मार्टफोन है उसका प्राइस यहाँ पे ड्रॉप होके आ चुका है 4GB 64GB का, 10,999 रुपीज़, और स्टार्टिंग में इसका प्राइस लगभग 15-16 हज़ार रुपये के आसपास था दोस्तों। और शाओमी MI A2 का जो प्राइस है 11,999 रुपीज़ ड्रॉप होके आ चुका है। और भी कई स्मार्टफोन है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगला अपडेट यहाँ पे स्पॉटिफाई इंडिया को लेके है, और आपको मालूम है कि कुछ 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे स्पॉटिफाई इंडिया में लॉन्च हो गया है, और यहाँ पे मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप अपने डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप विंडोज यूज़र हो, मैक यूज़र हो, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हो और सारे इंडियन यूज़र के लिए अवेलेबल है दोस्तों। इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है, इन्होंने लगभग 1 वीक में 1 मिलियन सब्सक्राइबर अपने साथ में जोड़ लिए हैं, और इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है वो है Gaana.com, आपको मालूम होना चाहिए JioSaavn, और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो कि जैसे अमेजोन की सर्विस है, एप्पल की सर्विस है, तो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग साइट हम इसको बोल सकते हैं, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कंपनी ये है, और इसकी मतलब बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है। 1 मिलियन कस्टमर्स एक वीक में बहुत बड़ा नंबर होता है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो स्पॉटिफाई को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ दोस्तों। अगला अपडेट यहाँ पे है ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके, और ये फ़ोन आज इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और इस फ़ोन का नाम है ओप्पो F11 Pro, और ये फ़ोन मतलब काफ़ी कमाल के कैमरे के साथ में आता है। इस फ़ोन का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा, और जो रियर कैमरा है वो आता है 48 मेगापिक्सल के साथ में। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी पहले ही सामने आ गई थी दोस्तों, और इसका जो गेसिंग प्राइस बताया जा रहा है लगभग 25,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है मीडियाटेक का हीलियो P70 चिप का आपको सपोर्ट मिलेगा इस फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें अभी लीक के बेसिस पे हैं। कुछ और भी फीचर हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं पॉपअप सेल्फी की, तो वो 16 मेगापिक्सल के साथ में आएगा। जो बैक कैमरे हैं 48+5 मेगापिक्सल का आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा इस फ़ोन पर, और यहाँ पर आज इसकी लॉन्चिंग है। वूक चार्जिंग 3.0 को सपोर्ट करता है, और प्राइसिंग इसकी 25,000 रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है। देखते हैं कि क्या रखती है कंपनी इसका प्राइस। अगला अपडेट यहाँ पे USB के नए वर्जन को लेके है, यहाँ पे USB 4.0 की स्पेसिफिकेशन सामने आ गई हैं, जहाँ पे इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड जो बताई जा रही है 40 Gbps तक हो सकती है दोस्तों, और यहाँ पे 100 वॉट की आप पावर सप्लाई कर सकते हो इस USB की मदद से। यहाँ पे USB इम्प्लीमेंटेशन फॉरम ने ये चीज़ें अनाउंस करी हैं, और ये पूरी मतलब प्रॉपर एक स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आई है, अभी इसमें कुछ चेंजेस होने बाकी हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि USB 3.2 की जो स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे आपको 20 Gbps तक का डेटा ट्रांसफर स्पीड मिल रही है, और यहाँ पे USB 4.0 में आपको मिल रही है 40 Gbps तक की स्पीड, और यहाँ पे मुझे लगता है कि 2019 के एंड तक ये ऑफिशियल हो जाएगा और सारी स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे हमको USB 4.0 मार्केट में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो काफ़ी गजब का मतलब यहाँ पे इनोवेशन हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड मिल रही है, 40 Gbps बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगला अपडेट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के नए प्रोजेक्ट को लेकर है, और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे विंडोज़ लाइट में काम कर रहा है, जो कि इसका लाइट वेट वर्जन है विंडोज
उसका, दिखने में सेम होगा, उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइसेज होने वाली हैं वो यहाँ पे डुअल डिस्प्ले वाला लैपटॉप हो सकता है, फोल्डेबल डिस्प्ले वाला लैपटॉप हो सकता है, और जिसमें मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है ना लैपटॉप में, उस लैपटॉप में आप इस विंडोज़ को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वर्ज की एक रिपोर्ट है जहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों को बताया कि यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है, और यहाँ पे मॉड्यूलर वर्जन होगा ये नॉर्मल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों। तो मतलब कस्टमाइज जितनी भी चीज़ें होती है ना, चाहे वो फोल्डेबल डिस्प्ले हो या फिर डुअल डिस्प्ले हो, उस तरह की डिवाइस में हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद में ले सकते हैं। अगला अपडेट यहाँ पे मर्सिडीज़ की फुल्ली इलेक्ट्रिक कार को लेके है, और ये कि रेसिंग अगला अपडेट यहाँ पे मर्सिडीज़ की फुल्ली इलेक्ट्रिक कार को लेके है, और ये कार एक रेसिंग कार है दोस्तों। फार्मूला ई में ये यूज़ में ली जाएगी, और इस कार का नाम है मर्सिडीज़ बेंज EQ सिल्वर एरो। काफ़ी कमाल के डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे फोटो सामने आई है, मर्सिडीज़ ने यहाँ पे ये ऑफिशियली यहाँ पे फोटो पोस्ट करी है, और कुछ इसकी डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। यहाँ पे जिनेवा मोटर शो कुछ दिन में होने वाला है, उससे पहले कंपनी ने कार अनाउंस कर दी है, और इस कार में आपको सोनी की सेल बैटरी मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो वो काफ़ी गजब की मिल रही है, 0 to 60 2.7 सेकंड में ये पकड़ जाएगी, और यहाँ पे 340 हॉर्स पावर का आपको इंजन मिलने वाला है इसमें। तो काफ़ी कमाल की बात है कि स्पीड इसकी काफ़ी गजब की होने वाली है, और यहाँ पे ये कार फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है, तो ये सबसे गजब की बात है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी एकदम से नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। अगला और फाइनल अपडेट है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A60 को लेके। इस फोन की कुछ लीक सामने आ रही है, जहाँ पे एक पेपर पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और कुछ इमेजेस यहाँ पे सामने आ रही है दोस्तों। उस पेपर पे लिखा हुआ है कि आपको मिलने वाला है 6.7 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि नॉच डिज़ाइन के साथ में आएगा। बाकी यहाँ पे कैमरे आपको मिलने वाले हैं काफ़ी गजब के, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक में मिलने वाला है, जिसमें मेन जो सेंसर होगा 32 मेगापिक्सल के साथ में आने वाला है। बाकी यहाँ पे जो फ्रंट वाला आपको कैमरा मिलेगा वो आएगा 32 मेगापिक्सल के साथ में, 4500 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है, और भी कुछ खास फीचर है इसमें, आपको 6GB और 8GB वाली रैम मिलने वाली है, साथ में यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा वो क्वालकॉम का मिलने वाला है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि इस फोन के साथ में दो और फोन लॉन्च हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A70 और सैमसंग गैलेक्सी A40 के नाम से आएंगे। तो मतलब जो यहाँ पे मेन फोन होने वाला है वो होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A60। तो देखते हैं कि एक्चुअल में ये स्पेसिफिकेशन लॉन्च होते टाइम दिखती हमको, या फिर कुछ और होती हैं फोन की स्पेसिफिकेशन दोस्तों। और आज की सारी इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो में। आप जरूर नीचे कमेंट बताने कि आज की कौन सी अपडेट आपको सबसे बढ़िया लगी दोस्तों, और कैसी लग रही है आपको ये टेक अपडेट सीरीज, सारी चीजें नीचे लिखना कमेंट में। आपका मेरे लिए कोई सजेशन ओपिनियन तो भी आप नीचे लिख सकते हो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।